वो दर्द से तड़पती रही और बस एक ही रट लगाई थी कि मुझे क्यों मार रहे हो। पर खून के पैसे देवर को अपनी भाभी पर जरा सी तरम नहीं आया और देवर ने एक के घर एक कोने से फावड़ा उठाकर भाभी की गर्दन के एक के बाद एक वार करता गया और मौत के घाट उतार दिया। फिर चीख के साथ भाभी की मौके पर ही मौत हो गई। जाने क्या है पूरा मामला। हरदोई जिले के सुरक्षा थाना क्षेत्र में ग्राम ताजपुर मजार के देवर ने गर्दन पर फावड़ा मारकर भाभी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर फावड़ा कब्जे में ले लिया है। आरोपी मानसिक रूप से बीमार है। ग्राम ताजपुर मजरा निवासी राम प्रताप के तीन भाई है। बड़ा भाई सियाराम परिवार और माँ गायत्री के साथ दिल्ली में रहकर टायर फैक्ट्री में काम करता है। राम प्रताप परिवार के साथ गांव में स्थित घर में रहता है। छोटा भाई ओम प्रकाश अविवाहित है और वह राम प्रताप के साथ ही रहता है। सोमवार सुबह राम प्रताप के खेत में पानी लगाने गया था। घर में उसकी पत्नी कंचन, पुत्री पिंकी और आयुष और बड़े भाई प्रकाश थे। सुबह 11 बजे ओम प्रकाश ने किसी बात को लेकर भाभी कंचन से विवाद होगा। इस पर ओम प्रकाश ने घर के आंगन में ही खड़ा फावड़ा उठाकर कंचन की गर्दन पर मार दिया। मौके पर ही कंचन गिर गई और उसकी सांसें थम गई। घटना के बाद ओम प्रकाश घर के ही बना रहा। दोपहर 1 बजे जब राम प्रताप खेत से वापस आया कंचन का शव देखकर उसने होश उड़ गए। पास ही पड़ा फावड़ा पड़ा था और ओम प्रकाश ने कंचन की हत्या करने की बात उससे कही। राम प्रताप ने शोर मचाया तो ग्रामीण एकत्र हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचा और ओम प्रकाश को हिरासत में ले लिया। PM News 24 की रिपोर्ट।